की बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने एनसीडीएक्स पर तो 7200 तक के लेवल्स हिट होते हुए देख चुके हैं, लेकिन कल को जब युद्ध की जो परिस्थितियां ज्यादा गहरा गई थी, तब हमने देखा था कि जो यूएस सोयाबीन फ्यूचर्स है वो 1756 डॉलर तक जाता नजर आया था, और आज भी देख रहे हैं कि वही यूएस सोयाबीन फ्यूचर 1664 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, विदेशों में जो सोयाबीन में तेजी देखने को मिल रही है और जो चीन है वो भी अमेरिकी सोयाबीन की खरीदारी कर रहा है, भारतीय व्यापारियों ने भी अमेरिका से लगभग 1,00,000 टन सोया तेल के सौदे कर रखे हैं, और ब्राजील और अर्जेंटीना में पहले से ही फसल उत्पादन कम बताया जा रहा है। इसी बीच आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन भी अब बाकी कमोडिटीज की तरह ही तेज रहने वाली है? देखिए बिल्कुल सोयाबीन में तेजी बन सकती है, क्योंकि फंडामेंटल जैसे कि आपने बताया कि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है इस कमोडिटी के लेकर, और आगे चलकर अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है, और सोयाबीन हो सकता है करंट लेवल से भी आपको 15-20% का और उछाल देखने को मिले जिस तरीके की स्थितियां हैं। तो फिलहाल डिप पर बाइंग की सजेशन रहेगी, लेकिन करंट लेवल के ऊपर बाइंग रिस्की हो सकता है, करेक्शन आ सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो जो भी करेक्शन आए उसमें बाय करके चला जा सकता है। जी, सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।